उपलवाड़ी के पटेल नगर में रिमोल टायर बनाने वाली कंपनी में दिन दहाड़े आग लग गई जिसमें सारा माल जलकर खाक हो गया है दो से तीन दमकल वाहनों के आने के बाद ही आग पर काबू पाया गया हालांकि दमकल विभाग के देरी से पहुंचने के कारण नागरिकों में रोष देखा गया नागपुर के उपलवाड़ी स्थित पटेल नगर में रिमोल टायर बनाने वाली कंपनी में रविवार की शाम करीब साढ़े बजे आग लगने ऐसी सारा माल जल कर धुआं धुआं हो गया प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फोन किए जाने के पौन घंटे देर से दमकल कर्मी पहुंचे, जिससे आग पूरी तरह फैल गई। धुआं करीब पाँच किलोमीटर दूर से उठता दिखाई दे रहा था दमकल विभाग के दो तीन वाहनों ने आग पर काबू पा लिया लेकिन सारा माल जल खाक हो गया कम उम्र के बच्चे और नागरिकों ने रिमोल टायरों को बचाने का प्रयास किया लेकिन कुछ ही टायर बचा सके प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज के पास कॉलोनी निवासी रफाकत हुसैन का पटेल नगर हुई में आर एस टायर नामक कंपनी है इस कंपनी कंपनी में रिमोल टायर बनाए जाते थे रविवार की शाम बंद थी तभी कंपनी में अचानक आग लग गई कंपनी के मालिक रफाकत हुसैन के मामा कलीम भाई को पता चला तो करीब पंद्रह मिनट बाद कंपनी में पहुंचे घर से निकलने से पहले उन्होंने दमकल विभाग को फोन लगा दिया था उनका कहना है कि दमकल विभाग मौके पर करीब पौने घंटे के बाद पहुंचा। दमकल कर्मियों में अधिकांश उम्रदराज कर्मचारी थे जो आग की भयावहता देखकर यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें और क्या ना करें। घबराहट में वे पाइप को वॉल से कैसे लगाते हैं यह तक समझ नहीं पा रहे थे नागरिकों में दमकल कर्मियों के देरी से पहुंचने पर काफी रोष था पहले दो दमकल वाहन पहुंचे और उसके बाद एक और वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया लेकिन कंपनी के अंदर रखा माल जलकर नष्ट हो गया कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक प्लास्टिक कारखाने में आग लगने पर दमकल कर्मी देरी से पहुंचे थे तब भी क्षेत्र के निवासी नागरिकों में काफी रोष देखा गया था इस इलाके में कई कारखाने हैं इसके बाद भी दमकल विभाग इस इलाके को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देता है इस इलाके में निवासी बस्तिया बढ़ने लगी है आर एस टायर कंपनी के मालिक रफाकत हुसैन के मामा कलीम भाई का कहना है की टी शर्ट कारखाने या कंपनी का कोई भी कंपनी इंश्योरेंस नहीं निकालती है रिमोल टायर बनाने वाली इस कंपनी में भी टीन शेड होने के कारण इंश्योरेंस नहीं था पटेल नगर में कई कंपनियां टीन शेड में संचालित हो रही हैं। कुछ कंपनियों में प्रदूषण दूर करने के लिए लंबी चिमनी तक नहीं लगाई गई है लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी कभी इस क्षेत्र में निरीक्षण करने नहीं आते हैं वे अपने कार्यालय में ही बैठकर सारी रिपोर्ट बना देते हैं यही कारण है कि ऊपर के पटेल नगर में कई कंपनियां बिना इंश्योरेंस के चलती है गनीमत यह रही कि कंपनी बंद होने के कारण कोई जीवित हानि नहीं हुई है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान बी न्यूज नागपुर